आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, ये किन सर्कमस्टेंसेज में ज़रूरी होता है, क्या इससे फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, किस पेशेंट्स में करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, और रेगुलर बीपी जो हम क्लिनिक में मेजर करते हैं उसमें और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में सिस्टम में डिफरेंस क्या है। बेसिकली एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि पेशेंट को घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ भेज दिया जाता है। एक पोर्टेबल बीपी मॉनिटरिंग सिस्टम होता है बैटरी कनेक्टेड, जिसका एक डिवाइस पेशेंट को कमर में बांध दिया जाता है और एक उसका कनेक्टेड रहता है बीपी मेजरमेंट कफ, जो कि पेशेंट के लेफ्ट हैंड में बांध दिया जाता है, और ये हर 15 मिनट्स में या हर 30 मिनट्स में इन्फ्लेट होकर ब्लड प्रेशर चेक करता रहता है और मशीन डिजिटली उसका ब्लड प्रेशर कितना आता है उसे रिकॉर्ड करते जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसके बाद कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं उसको डिटैच करने के बाद कि पेशेंट को हर 15-20 मिनट्स में ब्लड प्रेशर कितना आ रहा था और उसमें कितना वेरिएशंस था, पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं। ये चीज़ एक्चुअली इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो घबराहट की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट 30% लोगों को होता है, जिसमें पेशेंट को घबराहट स्ट्रेस की वजह से बीपी नॉर्मल से अगर 130-140 बीपी रहे तो सीधा 170-180 भी पहुंच सकता है। कई पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका रेगुलरली बीपी 200 से ऊपर रहता है हॉस्पिटल में सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एंग्जाइटी रिलेटेड होता है, कई बार ये अनकंट्रोल भी होता है क्योंकि पेशेंट ऑब्वियसली पहली बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास आए या पहली बार नए पहले ऐसी सराउंडिंग्स में ना गया हो, अन कस्टम सराउंडिंग्स में अगर पहली बार जाता है तो ठीक है उसे घबराहट होगी, लेकिन कई लोग का ऐसा टेंडेंसी ही होता है कि उनको हर बार वो डॉक्टर के पास आते हैं उनका बीपी 20-30 मिलीमीटर शूट अप कर जाता है, उसका उल्टा होता है मास्ट हाइपरटेंशन। उसमें ऐसा है कि पेशेंट को बीपी रिलेटेड चेंजेस तो हैं, घर पर बीपी तो उनका ज़्यादा आता है लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद उसके विपरीत इफेक्ट की वजह से बीपी उल्टा कम आने लगता है। तो ये भी ऑलमोस्ट 10-20% पॉपुलेशन में रहता है, खासकर उम्र दराज पेशेंट और अल्कोहलिक्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह का कोई भी चीज़ आपके पेशेंट को देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर लगेगा। इसके अलावा हम ये भी चीज़ें जज कर सकते हैं कि पेशेंट का दिन भर में बीपी का फ्लक्चुएशन कितना है, जिसे डायर्नल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कई बार ये भी हम जज कर सकते हैं कि नॉक्टर्नल डिप फिनोमेना होता है, जिसमें रात के टाइम ब्लड प्रेशर थोड़ा डिप करता है और एलिवेट करता है। ये बॉडी के ऑटोनॉमिक सिस्टम या बॉडी के हार्मोन सिस्टम जो वर्क कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उनका फंक्शनिंग कैसा है वो जज करने के लिए भी काम आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अगर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है। सिंपल क्लिनिक में अगर हमने एक बार ब्लड प्रेशर को जज कर लिया तो उससे उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्टेड होता है। किस टाइम पे पेशेंट ने ब्लड प्रेशर की दवा ली, पेशेंट कितने बजे क्लिनिक में आया, क्लिनिक में कितना देर बैठा, क्लिनिक में बैठने की कितने देर के बाद ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हुआ, घबराहट हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और बीपी की जो दवाइयाँ ली वो उसके कितने घंटे पहले लिया, खाने में क्या खाया, खाने में नमक कितना खाया, बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक दिन में अगर एक बार आप ब्लड प्रेशर को अगर क्लिनिक में मेजर करोगे तो उसके रीडिंग्स को अफेक्ट कर सकती है। जबकि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे तक कंटिन्यूस बीपी मेजर करते जा रहा है, बीपी मेजर कर रहा है, तो आपके इस दिन भर में कभी भी अगर ब्लड प्रेशर आपका कम ज़्यादा हो रहा है, कब मैक्सिमम हो रहा है, कब मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम कितना तक जा रहा है, मिनिमम कितना तक जा रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। तो कंपेरेटिवली आपको पेशेंट को दवा देना है या नहीं देना है उसका डिसीजन अच्छा से हो पाता है, और दूसरा पेशेंट को जो आपने दवा दिया है उसका इफेक्ट अच्छे से आ रहा है कि नहीं वो भी आप जज कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या है कि पेशेंट को आप दवा देते हो लेकिन पेशेंट प्रॉपरली दवा नहीं ले रहा होता है, या दवा ऑड टाइम पे लेता है, जिसकी वजह से जब आप क्लिनिक पे मेजर करते हो तो आपको बीपी या तो बहुत स्क्यूड मिलता है, बहुत हाई मिलता है, या बहुत लो मिलता है। मान लीजिए पेशेंट ने बीपी की दवा क्लिनिक में आने से 2 घंटे पहले ली तो बीपी आपको लो मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, और मान लीजिए पेशेंट ने बीपी की दवा आने से 8 घंटे पहले लिए या 12 घंटे पहले लिए तो तब तक दवा का असर काफ़ी हद तक जा चुका होगा, तो बीपी आपको फॉल्सली ज़्यादा मिलेगा। तो दिन भर में कितना वेरिएशन हो रहा है अगर आपको इसको जज करना है तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर सबसे एक्यूरेट और USFDA अप्रूव गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है। इनफैक्ट बीपी मेजरमेंट की जो दवाओं का असेसमेंट की जो ट्रायल्स भी होते हैं उसमें भी आजकल इंटरनेशनल गाइडलाइंस यही है कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर की रीडिंग को ही रिलायबल माना जाता है। USFDA अप्रूव्ड ये चीज़ है, और इसके में 2-3 हज़ार जैसा खर्चा ज़रूर आता है हर बार जब भी हम करते हैं, लेकिन पेशेंट को रिलायबल रिपोर्ट्स मिलती है और वो रिपोर्ट्स की वैलिडिटी कम से कम मेडिसिन को टाइटेट करने के हिसाब से और सब चीज़ मैनेज करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने का चांस कंपेरेटिवली कम है। मान लीजिए आपको क्लिनिक में पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा मिलता है और आप पेशेंट को ट्रीट करते हो और घर पे उसका बीपी ऑलरेडी लो है, तो उसका बीपी और ज़्यादा लो हो जाएगा, उसे चक्कर आना, कमज़ोरी आना, ये सब चालू हो जाएगा। और